जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एलजी को पत्र लिखकर मांग की है कि वो राजधानी में पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए डीजीबी की मदद करे। वो डीडीए से एनओसी दिलवाएंगे ताकि पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए ट्यूबवेल, तालाबों और झीलों का काम तेज हो सके। उन्होंने पत्र में एलजी के वीके सक्सेना को लिखा कि राजधानी में पानी की डिमांड और सप्लाई में करीब 300 MGD का अंतर है। ये गैप डीडीए के लैंड पूलिंग पॉलिसी, रीडेवलपमेंट और केंद्र सरकार की हाउसिंग स्कीम की वजह से और बढ़ेगा। राजधानी अपनी पानी की जरूरत के लिए यमुना और गंगा पर निर्भर है। ये पानी उन्हें यूपी और हरियाणा से मिलता है। यूपी सरकार से खेती के लिए ट्रीटेड पानी देने और उसके बदले में कच्चे पानी को लेने के प्रोजेक्ट में कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए कुछ प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है ताकि राजधानी में भूजल स्तर बढ़े और उससे पानी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। बता दें कि इस प्रोजेक्ट की मदद से 2021 और 22 में राजधानी में पानी का दोहन काम हुआ। अभी तक इस प्रोजेक्ट में 35 तालाबों और 6 झीलों को पुनः जीवित किया जा चुका है। मंजूरी मिलने के बाद डीडीए की कुछ झीलों पर भी काम चल रहा है। भलसवाहा झील के पास डीजीबी ने 150 ट्यूबवेल लगाने का प्लान बनाया है। इसी वजह से 15 से 20 एमजीडी पानी की सप्लाई बढ़ा सकती है। इसके अलावा नए क्रोनेशन एसटीपी से भी 20 एमजीडी ट्रीटेड पानी भलसवा में डाला जा रहा है, लेकिन इन ट्यूबवेलों के लिए डीडीए से मंजूरी नहीं मिल रही। फरवरी 2023 से ही दिल्ली जल बोर्ड इसके लिए डीडीए को पत्र लिख रहा है। विभिन्न पॉकेट में जमीन की मांग है, ये जमीन खाली है, तो वहीं दूसरी तरह डीडीए लगातार डीजीबी को अपने प्रोजेक्ट के लिए पानी की मांग भेजता जा रहा है। डीजीबी करीब 401 ट्यूबवेलों के लिए अप्लाई कर चुकी है, लेकिन डीडीए ने महज 10 की परमिशन दी है। कई जगहों पर डीडीए ने कम ट्यूबवेल की परमिशन दी है। इसी तरह डीजीबी ने डीडीए से 422 झीलों का रिवाइज करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन महज 61 झीलों की मंजूरी मिली है।